हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमन ठोकर। सो आज आप हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब बॉडी की जो भी स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, ठीक है, उसका पूरा होल इंट्रोडक्शन एंड जो भी फंक्शन स्ट्रक्चर रहता है वो सारी चीज आपको मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले बॉडी से पार्ट जाने से पहले अपन देखेंगे कि बॉडी की पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, जो बॉडी की क्या सिस्टम है जिससे बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, जो बॉडी में कितने सिस्टम है, उसके ऑर्गन कौन से हैं और फंक्शन कौन से रहते हैं। ठीक है, उसका शॉर्ट में देखेंगे पहले, इसके बाद में देखेंगे कि होल इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसका पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन कौन से, कितने सिस्टम है, उसके ऑर्गन कितने हैं और उसका फंक्शन क्या होता है शॉर्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो 11 सिस्टम है। 11 सिस्टम में से जो पहली सिस्टम है वो है इंट्यूबेटरी सिस्टम, सेकंड जो है स्केलेटल सिस्टम, तीसरी जो है मस्कुलर सिस्टम, चौथी है नर्वस सिस्टम, पांचवी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो ऐसे 11 सिस्टम अपनी बॉडी में है जिससे अपनी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्यूबेटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखो इंट्यूबेमेंट्री, वहां पे एक नाम छुपा है इंट्यूबेमेंट। ठीक है, तो इंट्यूबेमेंट मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और जो ऑर्गन होते हैं इंट्यूबेमेंट्री सिस्टम में वो कौन सा होता है, स्किन होता है, ठीक है, हेयर होता है, नेल्स होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और जो फंक्शन होता है इंट्यूबेमेंट्री सिस्टम का वो कौन सा होता है, प्रोटेक्शन करना, दूसरा रेगुलेशन करना और तीसरा सेंसेशन देना। ठीक है, अभी देखो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड सिस्टम में ऑर्गन कौन सा है, स्किन है, तो स्किन अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और हेयर है, हेयर किसको प्रोटेक्ट करता है, हेड को प्रोटेक्ट करता है, तो कौन सा होगा, प्रोटेक्शन करना। दूसरा कौन सा है, रेगुलेशन, रेगुलेशन करना, तो स्किन जो होती है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है, तो दूसरा कौन सा हो गया, रेगुलेट करना। और तीसरा होता है सेंसेशन, जैसे स्किन अपने बॉडी को सेंसेशन देती है। ठीक है, सेकंड है स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मतलब क्या होता है, कंकाल, कंकाल तो आप सबको पता है ना, कंकाल। ठीक है, उसमें जो ऑर्गन होते हैं कौन से होते हैं, बोन्स, जो अपने बॉडी में बोन्स है, पूरे ऑल ओवर बॉडी में बोन्स है। ठीक है, उसके बाद में होता है कार्टिलेज होता है, लिगामेंट होता है। ठीक है, जब दो जीत जुड़ती है, जब जीत जुड़ गई, ठीक है, उसको बोलते हैं लिगामेंट। और तीसरा है टेंडन। ठीक है, तो ये ऑर्गन हो गए स्केलेटल सिस्टम से, कौन से, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन। ठीक है, उसके बाद में है फंक्शन, फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम का, फंक्शन है शेप, गिविंग शेप, दूसरा है अलाउ मूवमेंट और तीसरा है प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अभी शेप, स्केलेटल सिस्टम, उसके ऑर्गन से बोन, बोन क्या करता है, बोन बॉडी को शेप देता है। ठीक है, अगर सीधा एक ही बोन होगा तो इंसान खड़ा कैसे होता है ना, इसलिए बॉडी को शेप देना काम है स्केलेटल सिस्टम का। दूसरा है मूवमेंट करना, जैसे यहाँ पे बोन है तो हाथ से मूवमेंट हो रही है, पैसे मूवमेंट होती है, इसको बोलते हैं मूवमेंट करना। ठीक है, और तीसरा है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बोन अपने बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, अभी तीसरा देखेंगे मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में जो ऑर्गन होते हैं बोलते हैं स्केलेटल मसल होते हैं, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, तीन टाइप के मसल होते हैं इसमें मस्कुलर सिस्टम में। ठीक है, और जो फंक्शन होता है उसका, फंक्शन क्या होता है मस्कुलर सिस्टम का, मूवमेंट देना, सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन देना और ब्लड सर्कुलेशन करना। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में है फोर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में ऑर्गन कौन से होते हैं, सबसे पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड एंड तीसरा क्रैनियल नर्व। ठीक है, और जो फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का वो होता है कंट्रोल द बॉडी। अभी कंट्रोल कैसे करता है, देखो नर्वस सिस्टम में यहाँ पे क्या है, ब्रेन, ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर ब्रेन ही नहीं रहेगा, जिसका ब्रेन मतलब ब्रेन नहीं काम करता होगा वो इंसान पागल रह जाता है ना, तो वैसे ही अगर ये कंट्रोल करता है बॉडी को, कौन, ब्रेन करता है, नर्वस सिस्टम का काम क्या है, कंट्रोल करना बॉडी को। अगर ब्रेन काम ही नहीं करेगा तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है ना, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, उसमें आते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ब्रेन अपने बॉडी को इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, वो हो गया कंट्रोल द बॉडी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, हो गया नर्वस सिस्टम। उसके बाद में पांचवा कौन सा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, कार्डियक मतलब क्या होता है, हार्ट। ठीक है, उसमें ऑर्गन कौन से, एक है हार्ट और दूसरा है ब्लड प्रेशर। ठीक है, और जो फंक्शन होता है, फंक्शन होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, होता है सप्लाई ओ2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। जो कार्डियोवास्कुलर वास्कुलर सिस्टम का फंक्शन होता है वो क्या होता है, सप्लाई ओ2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, बॉडी को ओ2 सप्लाई करना एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद में है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन जो है, पहला है नोज, दूसरा है ट्रकिया एंड तीसरा है लंग्स। ठीक है, और जो फंक्शन होते हैं
होता है ब्रीदिंग, नोज होता है, ट्रकिया होता है एंड लंग्स होता है, कार रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन, नोज, ट्रकिया एंड लंग्स, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है, O2 लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। उसका काम कौन सा है, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग करना। दूसरा कौन सा है, एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसेस को एक्सचेंज करना, जैसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मत लेना मर जाओगे, ठीक है। और तीसरा है जो प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जहां अपने इसमें जो ट्रकिया रहता है, ठीक है, फिर क्लैरेंस रहता है, वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, वो भी काम होता है प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, इतना साउंड में है। और जो सातवां है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव, डाइजेशन मतलब क्या होता है, डाइजेस्ट करना, है ना। उसमें ऑर्गन जो होते हैं वो होता है माउथ, एक होता है इसोफेगस और होता है स्टमक, ठीक है, ये ऑर्गन हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के। और जो और एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लीवर एंड पैनक्रियास, लीवर और पैनक्रियास ये जो होते हैं वो सिर्फ एसेंशियल ऑर्गन होते हैं, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं है, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। और जो फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड द एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड, ठीक है, जो अपन खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करना, उसकी जो एनर्जी मिलती है उसको कंज्यूम करना, ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद कौन सी आती है, यूरिनरी सिस्टम, जो आठवीं सिस्टम होता है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, उसमें किसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसको बोलते हैं। उसमें ऑर्गन कौन से आते हैं, किडनी आता है, यूटेरस आता है, यूरेटर आता है, यूरेथ्रा आता है, यूरिनरी ग्लैंड आता है, ठीक है। और जो फंक्शन होता है यूरिनरी सिस्टम का या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है रिमूव द वेस्ट, वेस्ट रिमूव करना, जैसे यूरिन होते और जो बाकी वेस्ट होते हैं, ठीक है, उसको रिमूव करना, उसको और होते हैं कंट्रोल लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच, ठीक है, रेगुलेट ब्लड पीएच इसका काम होता है, ठीक है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, नोपी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होती है, मतलब अलग अलग होती है, ठीक है। तो एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो उसकी जो ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं वो कौन से होते हैं, पेनिस होता है, स्क्रोटम होता है और टेस्टाइल्स होता है। और जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो होता है वैसा डिफरेंस, यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट, ठीक है, ये होगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अदर एंड सेकंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके जो ऑर्गन होते हैं वेजिना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओविड, इसका ऑर्गन रहते हैं। एंड फंक्शन, जो फंक्शन रहता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो रहता है प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं वो पहला होता है हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, इसके ऑर्गन होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के। और जो फंक्शंस रहते हैं वो है क्या होता है, रेगुलेट ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है अपनी बॉडी के उसको रेगुलेट करना, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ में हेल्प करना और मेटाबॉलिज्म बनना, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है। और जो लास्ट में होती है वो होती है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। और ऑर्गन कौन से होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, वो रेड बोन मैरो, थाइमस, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, ठीक है। और जो फंक्शन होता है वो होता है मेंटेन बैलेंस, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। तो ये अपने इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम हो गया, जिसमें अपन ने गैस सिस्टम देखे, ठीक है, सबका इंट्रोडक्शन देख लिया, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में अपन डिस्क्रिप्शन में उसके सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा उसका डिस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके जो भी पार्ट है उसका सब बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर यहाँ तक आए गए हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।